कुरान और सुन्नत की रोशनी में शुगर का हल बताइए। इसमें पूरी तफसील है, 100 ग्राम कलवटी लो, 100 ग्राम मेथी दाना लो। जो अपनी शुगर को ठीक करना चाहते हैं मेरे मोहतरम भाइयों, 3 महीने 90 दिन ये दवाई इस्तेमाल करो। आज अपना टेस्ट वो जो 3 महीने का HbA1c टेस्ट है आज कर लो और 3 महीने बाद टेस्ट करा लो। अगर आपकी शुगर लेवल पे 5.2 पे ना आए, आपके जितने पैसे लगे हो आके मुझसे दावा करो कि ये देखो हमने ये चीजें इस्तेमाल की हमें फर्क नहीं पड़ा। अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, मस्जिद में बैठा हूँ, आपके जितने पैसे लगे होंगे मैं दूंगा। करके देख लो, 2 गिलास पानी लो, उसमें 1 चम्मच साबुत जौ मिलाओ, 1 चम्मच साबुत गंदम मिलाओ, 1 चम्मच मुरिंगा पाउडर मिलाओ, 1 चम्मच कलमंजी और 1 चम्मच मेथी दाना मिलाओ। 2 बड़े गिलास पानी लो और 25 से 30 पत्ते उसमें पुदीने के मिलाओ, उसको इतना पकाओ इतना पकाओ इतना पकाओ, 2 गिलास पानी 1.5 गिलास डाले, उसको ठंडा कर लो। 1/2 गिलास सुबह, 1/2 दोपहर, 1/2 शाम खाना खाने से 1/2 घंटा बाद, 1.5 घंटा बाद काढ़े के तौर पे इसको पियो। ये एक दवाई है। 5 गिलास पानी लो, 1 चम्मच कलमंजी का, 1 चम्मच मेथी दाने का और 1 बड़े साइज का नींबू उसमें निचोड़ दो, उसको इतना पकाओ इतना पकाओ। 5 गिलास पानी 4.5 गिलास पहले, इसमें 4-5 पत्ते सबज धनिये के, 4-5 पत्ते पुदीने के और 1 इंच का टुकड़ा अदरक का और 4 से 5 इंच का खीरा काट के इसके अंदर डाल दो। ये पानी खाने से 1/2 घंटा पहले पीना है और वो पानी खाने से 1/2 घंटा बाद पीना है। ये 1.5 गिलास पिएंगे वो 1/2 गिलास पिएंगे। मेरे मोहतरम भाइयों, 3 महीने पी लो अदरक लहसुन पुदीने नारदाने की चटनी के साथ और रात को 1 गिलास दूध लो, आधी चाय की चम्मच हल्दी, आधी चाय की चम्मच दालचीनी, आधी चाय की चम्मच सौंफ, 2 सब्ज़ी इलायचियां, 2 लौंग, इसको इतना पकाओ कि 1 गिलास दूध कोना रह जाए, इसको सोने से पहले पियो। ये बेहतरीन इलाज है। क्या नफली रोजा बगैर सहरी के हो जाता है?